हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे थे, अब आगे चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द सम ऑफ द थ्री डिजिट नंबर के 3 अंकों वाली संख्याओं के जो अंक हैं उनके अंकों का सम, डिजिट्स का सम क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर्स, उस संख्या से ही सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। तो कहा जा रहा है जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किस नंबर से डिविजिबल होगा। यहां ऑप्शन देखें 11, 9, 6 और 7। तो आइए सॉल्व करके इसे देखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि भाई जो थ्री डिजिट्स नंबर हैं उनके जो डिजिट्स हैं वो क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये इतना मान लिया तो वो संख्या क्या हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड हमने माना, तो इसे यूनिट प्लेस पे कौन है जेड, 10 प्लेस पे कौन है वाई एंड 100 प्लेस पे कौन है एक्स। तो हमारा संख्या जो बनेगा तो 100x + 10y + z, ये हमारी संख्या बनी है और डिजिट हमारे एक्स वाई जेड थे। तो हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशंस कि भाई संख्या में से हमें सम ऑफ डिजिट्स को घटाना है। तो हमने क्या किया कि सम ऑफ डिजिट्स को संख्या में से घटा दिया, जो संख्या में से घटाया क्या 99x + 9y, और यहां से 9 कॉमन ले लिया। ये देखिए 9 इंटू क्या गया 11 + y, 11 + कितना गया y, इसका मतलब इस संख्या में क्या है 9 मल्टीप्लाई है, तो इसलिए यह संख्या जो है वो 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भाई जब हम किसी संख्या से, जब इसको 3 डिजिट वाली संख्या से उसके डिजिट संख्या को माइनस करते हैं, 3 डिजिट वाली संख्या को उसके डिजिट्स के सम से माइनस करते हैं, तो जो संख्या हमें मिलती है वो संख्या 9 से डिविजिबल होती है। कोई डाउट, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है इफ पी इज ए प्राइम नंबर, इफ पी इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी प्राइम नंबर कौन है, पी है, तो देन पी स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 ऐसे कौन सा नंबर है या कौन सी संख्या है जिससे हमेशा क्या होगा डिविजिबल होगा। ऑप्शन दिया गया है 6, 8, 24 और 12, बिल्कुल याद रखिएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हमने हमसे जो बोला गया पी क्या है, पी 2 से बड़े सारे प्राइम नंबर हैं, तो 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन है 3, 5, 7, 11 डॉट, ठीक है। अब ये तक सारी चीजें हो गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर पी स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 1 ये किससे डिविजिबल होगा, हमने कहा भाई बारी बारी चेक करते हैं, तो एट पी इक्वल टू 3 रखा, पी इक्वल टू 3 रखा कितना आ गया 8 आ गया, ऐसे पी इक्वल टू 5 रखा कितना आ गया 24 आ गया, और 24 को फैक्टर करेंगे 8 × 3, तो इसका मतलब ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है। 7 रखा कितना आया 48 आया, ये देखिए 7 रखा 48 और 48 भी क्या है 8 से डिविजिबल है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर माइनस 1 में 8 का फैक्टर हर बार है, 8 का फैक्टर हर बार होने का मतलब यह है कि ये जो पी स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन हम लोग क्या किए इसे सॉल्व कर लिए। अब इस पर इस तरीके के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल। मतलब ये जो नीचे संख्याएं दी गई हैं, ये नीचे देखिए 4 factorial 5 factorial 6 factorial ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन ये जो दिए गए हैं इनसे हमें पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन ऐसा है, इनमें से कौन ऐसा है जो 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को क्या करता है डिवाइड कर देता है, या जिससे 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट क्या है डिविजिबल है। तो हमने कहा भाई 6 कंसेक्यूटिव बोला है आपने, तो 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लीजिए, तो चाहे 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले लीजिए, या 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लीजिए, या 9, 10, 11, 12, 13, 14 ले लीजिए, मतलब आप कुछ भी नंबर ले लीजिए कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव 6 इंटीजर ले लीजिए, तो आप देखेंगे वो क्या होंगे कि हर एक टर्म से डिविजिबल होंगे, मतलब 4 फैक्टोरियल्स भी डिविजिबल होंगे, 5 फैक्टोरियल्स डिविजिबल होंगे, 6 फैक्टोरियल्स भी डिविजिबल होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तो ऑल ऑफ दी रीच, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं क्या ये जो मैं बोल रहा हूं ये सही है। तो हमें सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 6 कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी रख लीजिए, चलिए मैं 14 रख लेता हूं, ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो अभी कितने हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आइए चेक करते हैं बारी बारी से क्या ये डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 6 फैक्टोरियल से चेक करते हैं, 6 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को हमने सिखाया है, चलिए मैं इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा जहां पर हमने फैक्टोरियल पढ़ाया, वहां से आप सीख सकते हैं 6 फैक्टोरियल कैसे ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा 6 × 5 × 3, 4 × 3 × 2 × 1। अब इस चीज को हम यहां लिख लें, ये देखिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा, अब कैंसिल आउट अगर हम करेंगे, देखिए 6 5, ये देखिए 6 3 जा 18 और 5 1 जा 5 5 3 जा, कोई दिक्कत, 3 3 से कैंसिल हो गया, ये देखिए 4 4 जा, यहां बचा 2 2 को कैंसिल कर देते हैं यहां से, तो यहां से देख रहे हैं टोटल से डिविजिबल हो गया। ऐसे ही अगर 5 फैक्टोरियल रहेगा, 5 फैक्टोरियल यहां से यहां तक हो जाएगा, ये देखिए कहां से कहां तक 5 × 4 × 3 × 2, और देखिए आपके सामने है डिविजिबल है। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, ये देखिए तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो दी गई संख्या कोई भी आप 6 कंसेक्यूटिव
इंटीजर्स रख लीजिए, कॉन्स्टिट्यू कोई भी सिक्स कॉन्स्टिट्यू इंटीजर रखिए, वो क्या होगा, सिक्स फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, तीनों से डिविजिबल होगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिविजिबिलिटी से ही लिया है। इस बार यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि संख्या दी गई है 3, 7, 9, 8, 1, 2, 5, पी दिया गया है, यहां पे देखिए पी 3, 6, 9, ठीक है। और ये संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है, ये संख्या क्या है, 7 से डिविजिबल है। तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल है तो पी की वैल्यू बताइए, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने चल रहे हैं और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि भाई पी की वैल्यू 1 होगी, 6 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो हमने डिविजिबिलिटी 7 की जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे हमने पढ़ा है, तो वीडियो के में हम उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा 7 डिविजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। तो 7 डिविजिबिलिटी की क्राइटेरिया हमने सीखा है, जो भी संख्या दी गई हो उसे क्या करते हैं, राइट साइड से तीन तीन डिजिट्स के जोड़े में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तीन तीन डिजिट के ग्रुप में क्या करते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां देखिए हमने क्या किया, 1, 2, 3 लाइन ड्रा कर दिया, 1, 2, 3 तीन डिजिट को, 1, 2, 3 तीन डिजिट को, और इधर जितना बचे जाए उसे, चाहे 1 बचे 2 बचे, अगर 3 बच रहा है फिर उसे कर लीजिए, 4 बच रहा है फिर डिवाइड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करते हैं, फिर देखते हैं, यहां देखिए यहां काउंट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जो इवन प्लेस में नंबर है उन्हें साथ में ऐड कर लेते हैं, जो ऑड प्लेस में उन्हें साथ में ऐड कर लेते हैं। तो देखिए इवन प्लेस का मतलब क्या, इवन प्लेस का मतलब सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस से है, तो यहां हमने देखिए सेकंड और फोर्थ प्लेस को क्या कर लिया, वहां पर संख्याओं को ऐड कर लिया, वैसे ही फर्स्ट और प्लेस और थर्ड प्लेस की संख्याओं को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोनों को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमने उसका सबट्रैक्ट कर दिया। तो ये देखिए 1350 में से हमने माइनस कर दिया कितना, 37 + 25 पी को, जब यहां से माइनस किया तो कितनी संख्या आई, 1330 - 25 पी। अब यहां से हमें एक ऐसी संख्या चाहिए होती है, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी की एक क्राइटेरिया है कि माइनस करने के बाद जो संख्या आ रही है अगर वो 7 से डिविजिबल है, या वो 0 है या 7 से डिविजिबल है, तो दी गई संख्या भी क्या होती है, 7 से डिविजिबल होती है। और हमसे कहा गया ये संख्या 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि यह संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी। अब 7 से डिविजिबल तो भाई तभी होगा जब हमें पी की वैल्यू पता हो, तो यहां ऑप्शन हम क्या करते हैं, बारी बारी से चेक कर लेते हैं पुट कर करके। तो हमने अभी पी इक्वल टू 1 रखा, जब पी इक्वल टू हमने 1 रखा तो 1330 में से हमने 51 को क्या किया, माइनस कर दिया, घटा दिया, घटाने के बाद कितना आया, 1062 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि p इक्वल टू 1 रखने पर ये संख्या 7 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए नेक्स्ट चेक करते हैं। तो अब हमने क्या किया है, p की जगह 6 रखा, और जब 6 रखा p की जगह पर, तो इसकी वैल्यू जब यहां से माइनस किया कितना आया, 1057, और 1057 क्या है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब अगर 1057 7 से डिविजिबल है, तो ये दी गई संख्या भी क्या होगी, 7 से डिविजिबल होगी, बशर्ते p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है, और हमारा ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। कोई डाउट तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।